भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सिर्फ इतना बता दे कि टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरह से हमें कहते हैं, हम देश के प्रति कितनी मोहब्बत रखते हैं उसका फैसला आप कैसे कर पाओगे। और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है कि जो नौजवान सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है तो आप उन पर देशद्रोह नहीं लगा सकते। और टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है, जो धर्म के आधार पर लोगों के टुकड़े करती है, जो जात के आधार पर लोगों के टुकड़े करती है, जो मौतों के टुकड़े करती है। मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मानना है कि इस देश के प्रति जिसकी सच्ची निष्ठा है वो लोग कांग्रेस पार्टी में आकर पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी के सपनों का भारत मजबूत करना चाहते उन सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। पास सबूत है कि हम लोगों ने किसको क्या किया? हम लोग नौजवानों की बात करते, हम लोग किसानों की बात करते, हम माँ सरस्वती की शिक्षा पर हो रहे व्यापारीकरण की बात करते हैं और आप हमें ये कहते हैं। कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो गया इस देश में कि नौजवान बड़ी ताकत है। जो नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है, इसके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करोगे। और एक बात बता दीजिए, बदनाम तो आप पहले से करते आए हैं। पूज्य महात्मा गांधी भी बदनामी के डर से अगर घर में बैठ गए होते आज भी हम गोरों की गुलामी करते। पूज्य महात्मा गांधी भी बदनामी से नहीं डरे थे तो हम लोग क्यों डरे? तो क्या ये माने कि सिंधिया चले गए, जितिन चले गए, सुष्मिता देव गई तो आप राहुल गांधी के साथ हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जो है बुलंद करेंगे कांग्रेस का नारा? कांग्रेस पार्टी में लाखों कार्यकर्ता है जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर इस देश की समृद्धि के लिए काम करते हैं। बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर बांटती है, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर बांटती है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते, तो उत्तर प्रदेश में मंत्रालय जब बदला गया, जब नया मंत्रालय किसी को दिया गया वो भी अब जात के आधार पर देते हैं। गुजरात के अंदर आपने पूरा मुख्यमंत्री बदल दिया, आपने पूरा मंत्रालय बदल दिया, वो भी जात के आधार पर किया है। तो एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर टुकड़े टुकड़े गएंगे, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर टुकड़े टुकड़े गएंगे। और हम नौजवान न जात न पात न धर्म में मानते हुए पूरे 135 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बन रहे, इसीलिए वो हम लोगों को बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहे हैं।